सो ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का सीन ये है कि आज हम दोबारा से एपेक्स लेजेंड्स खेलने वाले। सो गाइस, यहाँ पे कुछ ये जो फर्स्ट नंबर होता है उसके पास ये कुछ अच्छा कैरेक्टर होता है, एस कैरेक्टर, और यहाँ पे जो सेकंड नंबर होता है उसके पास ब्लड आउट कैरेक्टर होता है। और मेरी तो पहले से वही आदत है, और मेरे को तो एक ही कैरेक्टर पसंद है, वो है ऑक्टेन। सो गाइज, यहाँ पे उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं यूज़ करता जा रहा हूँ, और आगे जाके मेरे को कोई अच्छी स्किन भी मिलने वाली है, इसीलिए मैं ऑक्टेन ही यूज़ कर रहा हूँ। भाई दूसरे कैरेक्टर में क्या हो रहा है कि भाई कम टाइम में अच्छी अच्छी स्किन्स और अच्छा अच्छा अचीवमेंट मिल रहा है। सो गाइज, यहाँ पे कुछ मैं गेम शेम चालू हो जाती। सो गाइज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये कुछ ये जो किंग्स कैनियन मैप है, ये देखो गाइज, ऐसा लग रहा है कि भाई समुंदर में घूम रहे हो और नीचे सतह पे ऐसा कुछ ग्रीनरीज है, कुछ इस तरफ कुछ रेतीला है बस। तो यहाँ पे गाइज डिसाइड किया होता है कैस्केड जाने का, तो गाइज यहाँ पे डायरेक्ट हम वाटर सिटी कैस्केड आ जाते हैं, और यहाँ पे सीन ये हो जाता है कि भाई उतरने के बाद इतने ज़्यादा एनिमीज आ जाते हैं ना कि भाई बूम बाम हो जाता है। तो गाइज देखो, यहाँ पे मैं कुछ ये जो कैरेक्टर सामने जो ये मर रहा है ना, ये नूबड़ा प्लेयर होता है भाई, मतलब ये वन ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर होता है, और वो ऐसे नूबड़े की तरह मरते हैं। हाँ गाइज, इन लोग को गन नहीं मिलती, इसलिए ये झाड़िया पहले नीचे आता है देखने के लिए, बट उसके पास भी गन नहीं होती, इसलिए भाई इसको झाड़े को मारने को ना मेरे को बहुत ही तकलीफ पड़ जाती है, झाड़िया जल्दी मरता नहीं। सो गाइज, उसने अपना ये प्रोटेक्टर चालू कर दिया होता है, बट मैं उसको प्रोटेक्टर के निकल के उसको मारता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे कूदता हूँ देखने के लिए कि भाई एक और एनिमी बचा है कि नहीं बचा। तो गाइज, यहाँ पे मेरे को कुछ गोलियाँ शोलियाँ पड़ती है, इसलिए मैं इधर से निकल जाता हूँ, और मेरे पास एमओ की भी कमी होती है, इसलिए मैं इधर मारने नहीं जाता। जो लास्ट में नीचे कूदने पे जो बंदा मेरे को मारने का ट्राई कर रहा था, उसको मारने भी नहीं जाता। गाइज, मेरे पास एमओ ही नहीं थी। तो गाइज, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई मेरा टीममेट जो है वो गिर गया होता है। तो गाइज, ये देखो बंगालोरी कैरेक्टर को मैंने इजीली मार दिया होता है, क्योंकि मेरे पास जो पिस्तौल होती है वो बहुत सही होती है। और देख रहे हो ना, यहाँ पे सीन हो जाता है कि भाई मैं पीछे वाले बंदे को मारने का ट्राई कर रहा होता हूँ, बट मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हील्ड अप नहीं होती है, तो मैं नॉक्ड आउट हो जाता हूँ। पर मेरा जो टीममेट होता है वो मेरे को तुरंत आके रिवाइव दे देता है, और यहाँ पे सब की अच्छे से पेटी शेटी लूटने के बाद कोई अच्छी खासी गन ले लेता हूँ मैं। सो गाइस, यहाँ पे ग्रीन एमओ वाली गन कुछ मिल जाती है, तो बस वही उठाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ जा रहा होता हूँ, और सब पूरे अच्छे खासे घर में छान रहा होता है, और मेरे को वापस फुटस्टेप आते हैं। और देखो ये जो है ना, ये कैरेक्टर भी बहुत जोर है, जिसको यूज़ करना आ गया भाई वो एकदम लेजेंड है। ये कैरेक्टर ना, इसके पास एक हुक टाइप कुछ होता है, देखो गाइस इसको मारने को भी कितना दिक्कत पड़ रही है मेरे को। तो जैसा कि गाइस मैं बता रहा था कि इसके पास एक हुक टाइप होता है, मतलब अपने जिप लाइन कैसा होता है ऐसा ही कुछ इसके पास सिस्टम है, तो वो बंदे के ऊपर डायरेक्ट ही थ्रो करके उसके आर पार वो निकाल सकता है। हाँ गाइस, बट जिसको यूज़ करना आता है वो ही यूज़ कर पाता है, बाकी नहीं। तो यहाँ पे देखो मैं कितना दूर तक एम लेके उसको मारने का ट्राई कर रहा था, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनिमीज पड़े हुए थे यहाँ से वहाँ। तो यहाँ पे ये जो सुबह पहलवान है उसको भी मैंने टपका दिया, तो उसकी पेटी शेटी लूटने जाता, क्योंकि गाइज मेरे पास अच्छी खासी गन नहीं होती, और ये ग्रीन एमओ वाली है वो भी अच्छी गन नहीं होती। तो ये देखो रेड कैरेक्टर पीछे से मज़े ले रहा था कब से, वो तो अच्छा है कि भगवान की कृपा से मेरे पास ऑक्टेन कैरेक्टर होता है, क्योंकि गाइज ऑक्टेन कैरेक्टर में एबिलिटी ये होती है कि उसकी जो हेल्थ है वो अपने आप ही हील्ड अप होती है, जैसा कि पबजी मोबाइल और BGMI में होता था, कि जैसे अपने TDM खेलते थे तो कैसा अपना लाइफ ऑटोमेटिकली राइज अप होता था, वैसे ही ऑक्टेन के कैरेक्टर में भी राइज अप होता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई पेटी शेटी बाद में लूटी जाए, मेरा टीममेट है वो अकेला चला गया है, और वो शायद से नॉक्ड आउट वापस हो सकता है। हाँ, तो मैं इसीलिए, क्योंकि आगे इतने सारे बंदे बवाल कर रहे होते, तो वही मेरा टीममेट अकेला ही मार देता है, क्योंकि उसके पास भी एक अच्छी खासा कैरेक्टर होता है, वो भी लेजेंडरी कैरेक्टर होता है। सो गाइज, अभी तक तीन ही लेजेंडरी कैरेक्टर है, वो अभी तक मैं अचीव नहीं कर पाया। सो गाइज, यहाँ पे देखो ये रेड कैरेक्टर पता नहीं कहाँ से नीचे से निकलता है एनिमी, और मेरे को मारने का ट्राई करते, तो आजू बाजू सब जगह पे एनिमी होते, बट मैं इसको पूरा फिनिश करके ही जाता, क्योंकि हर बार क्या, कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि भाई नॉकड आउट किया फिर कोई दूसरा एनिमी किल चोरी कर गया। तो यहाँ पे देखो ये कुछ अपार्टमेंट में, ये कुछ मॉल टाइप में, देखो यहाँ पे बवाल चल रही होती है, और यहाँ पे ये कैरेक्टर के पीछे भाग रहा होता हूँ मैं। सो यहाँ पे जो मेरा टीममेट है वो इसको गिरा देता है, उसके पास भी ब्लड हाउंड कैरेक्टर होता है, और इसके पास एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर होता है। हाँ गाइस, उसका अभी तक मेरे को नाम पता नहीं होता है,
तो यहाँ पे वही कैरेक्टर को मारने के बाद हम लोग कुछ जगह एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हाँ ये जगह ना भाई एपिक लेजेंड्स इज ऑल अबाउट सीनरीज भाई, ब्यूटीफुल सीनरीज भाई। ये वाटर सिटी ही एक भाई क्या ही एक नंबर सीनरी है सब जगह पे। तो यहाँ पे कुछ जोन बोन मर रहा था और यहाँ पे देखो यहाँ पे तो भी बंदे आए जा रहे जोन के बाहर से। तो यहाँ पे मैं कुछ आगे जो बंदे देख रहे होते उनको मैं मारने चला जाता तो ब्लड हाउंड को तो गिरा देता हूँ, और पीछे का जो बंद उसका टीममेट है उसको भी मेरा टीममेट गिरा देता है। हाँ ये वृत्त करेक्टर है। तो गाइज मैं देखना भूल जाता कि भाई मैं पीछे से भाग के आ रहा था तभी मेरे को पीछे से फुटस्टेप आ रहे होते। वो तो अच्छा है कि मेरा जो टीममेट होता है मेरे को प्रोटेक्ट करता है पीछे से, नहीं तो मेरी अभी तक पीटी बन गई होती, क्या पता पीटी या नॉकडाउट सब खत्म हो गया होता। तो यहाँ पे कुछ मैं जंप शर्ट डालने के बाद ये कूद नहीं पाता इतना गाइज, इतना राइज में कूद नहीं पाता मैं, बहुत ऊँचाई तक कूद ही नहीं पाता क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ अपना शील्ड पूरी चार्ज कर रहा होता। हाँ जब शील्ड चार्ज कर रहा होता है और आप जंप शेड के ऊपर से निकल जाते हो तो आप इतना ज़्यादा नहीं कूद पाते। तो गाइस ये देखो ये व्यू शायद से मैं कुछ ऐसा ये व्यू थंबनेल में लेने का ट्राई करूँगा, क्योंकि गाइस ये ना भाई ये पहाड़ है, ये वाटर जा रहा है बीच में से, इतने छोटे छोटे घर है ब्यूटीफुल, और भाई एक अलग ही सीनरी है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा था कि भाई अभी भी चार्ज कॉर्ड बची है तो वो कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे घूमने के बाद मेरे को टीममेट मिले ही नहीं। तो यहाँ पे मैं देखने आता कि मेरे को यहाँ पे वहम हुआ था, वो जो वाइट कलर की पेटी है ना मेरे को लगा वहाँ पे कोई बंदा छुपा हुआ है, बट वहम होता है कुछ बंदा छुपा हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पे हल्की से मेरे को आवाज़ आने लगी होती कि भाई इस डायरेक्शन में कोई तो एमओ चला रहा है, कोई तो फायर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं चेक करने आता मैं मेरे टीममेट को बोलता कि भाई देख के रहना थोड़ा संभाल के बचना। तो यहाँ पे कुछ मैं चेक करने जाता हूँ और मेरा शक सही निकल जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, चार जो बंदे हैं ना, चार जो स्क्वाड है वो पूरी चारों की चारों स्क्वाड यहाँ पे लड़ रही होते हैं। वो तो अच्छा, देखो गाइस मेरे पास मेरी जो फेवरेट लिस्ट में से जो दो गन होती है डिवोशन एलएमजी और हैवकॉर राइफल, वो दोनों मिल जाती है। तो बस वही निकालने के बाद मैं रिलोड शिलोड करने के बाद अच्छी खासी मेरे पास एमओ होती है, 400 एमओ होती है, तो बस उसी का मैं यूज़ करके सब बंदे को इजीली गिरा देता हूँ। डिवोशन एनर्जी अगर मेरे पास हो गए हैं तो भाई मैं एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाता हूँ, बीस्ट मोड ऑक्टेन का ऑन हो जाता है गाइस। अगर मेरे पास डिवोशन एलएमजी है तो सामने कोई भी टिक नहीं पाता, क्योंकि गाइस मेरे को ना इसका पता चल गया है, हाथ में अच्छे से बैठ गई है। तो यहाँ पे देखो ये सुमो कैरेक्टर पता नहीं कहाँ से आता है अंदर घूम घाम के। तो उसी को मारने के बाद मैंने अपने टीममेट को चैंपियन का गिफ्ट दे दिया। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, एक बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। सो गाइस आई होप इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप, ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गाइस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो पीस आउट।